हरियाणा प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ रही कुहरता के खिलाफ गांव औरंगनगर में हरियाणा प्रदेश के कलाकारों ने महापंचायत की। इस दौरान कलाकारों द्वारा हरियाणा की म्यूजिक कंपनियों की बढ़ रही मनमानी के खिलाफ नारेबाजी की गई। कलाकारों का मानना है कि हरियाणा की जितनी भी म्यूजिक कंपनियां हैं वो सभी कलाकारों का शोषण कर रही हैं। आज जो गांव औरंगनगर में महापंचायत की गई वो की गई कुवड़ता बदले की कलाकार जो कुवड़ता आज गंदे गंदे टैगिंग कंपनियां मनमाने ढंग से कर रही है, मनमाने ढंग से कारोबार कर रही है, कलाकारों का जो शोषण हो रहा है उसके मुद्दे पे एक जो महापंचायत की गई है। गायक सुभाष फौजी ने बताया कि सबसे पहले तो सभी कलाकारों को एक होना होगा, तभी कंपनियों को सबक सिखाया जा सकता है। इस लाइन में सिर्फ कैमरामैन, मॉडल और डायरेक्टर को ही पैसे मिलते हैं, लेकिन गाने की नींव रखने वाले लेखक को सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है। जो कलाकारों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो नए कलाकार हैं उनका ये कंपनी काफ़ी शोषण करती है और उनसे कई घर बर्बाद हो चुके हैं। और हरियाणा में आजकल फिल्म लाइन के बच्चे लोगों का युवा मतलब बच्चों का कुछ ज़्यादा रुझान हो गया है और वो कहीं किसी चीज़ की झांसी में पड़ गया ना, तो वो अपने परिवार का नुकसान करते हैं। कुछ शुरुआत में पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर वो किसी ठेकेदार के उसमें आ जाते हैं तो वहाँ पर वो पैसा बिगाड़ के वो लास्ट जो उनकी जो प्रोडक्ट होती है उसको वो कंपनी वाला हो जाए। हरियाणा के मशहूर सांगी श्री मांगेराम के सुपुत्र श्री नवरत्न शर्मा ने यह साफ कर दिया कि अगर हरियाणा में कोई कलाकार गाने में अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे संगठन से बाहर करके कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मैंने अभी पिछले साल की 16 नवंबर को प्रोग्राम किया था संगीत मांगेराम जी के नाम से, तो उसमें हमने हरियाणवी कल्चर को दिखाया था। एक तो अच्छी हरियाणवी कल्चर है जो मैंने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आज थोड़ा सा जनरेशन गैप है और बदलाव आया हुआ है सुनने में भी उसमें डांसों में भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यदि सोशल बाइक का किसका हम सब मिल के करना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि लोगों को हम जागरूक भी करेंगे। पंचायत में फैसला लिया गया कि अगर म्यूजिक कंपनियां कलाकारों को उचित पैसे नहीं देती हैं तो कोई भी कलाकार उनके लिए गाना नहीं गाएगा। अगर फिर भी कंपनियां अपनी मनमानी करती हैं तो उनका बहिष्कार करके सरकार से सेंसर बोर्ड की मांग की जाएगी ताकि कोई भी कलाकार न पूरा लिखे नहीं गाए। और मुद्दा एक ही है कि कलाकार पैसा लाते हैं लेकिन कंपनियां उनका रिकवरी पूरी नहीं करती, तो हमारी समाज से भी और सरकार से भी दोनों से एक प्रार्थना है कि कलाकारों को सपोर्ट करें ताकि उनकी रिकवरी पूरी हो। कंपनी अगर सपोर्ट नहीं करती है, एक बार तो उनको हम पहले बोल चुके हैं और दूसरी बात इसको यहाँ यूनिटी बनाएंगे और जो हमारे साथी कलाकार फैसला लेंगे उसी पे हमने अमल करना है।